हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी ने आज तक का एक चैनल है जिसका नाम है यूपी तक, उसको उन्होंने इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसी बात कर दी है जिसके वजह से बहुजनों के बीच में सवाल पैदा हो गया है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा है उसके बारे में मैं बताऊं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी ने इंटरव्यू में क्या कहा है। सम्मानित साथियों, बहन जी के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है। बहन जी सवर्णों के प्रतिनिधित्व की बात करती हैं, बहन जी सवर्णों को हिस्सेदारी देती हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद जी से यूपी तक के पत्रकार ने पूछा कि चुनाव तो लड़ेंगे ना, तब उन्होंने कहा कि हाँ लड़ूंगा। पत्रकार ने दूसरा सवाल किया कि क्या सभी लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहेंगे, तब चंद्रशेखर जी ने जवाब दिया यह सब पर डिपेंड करता है कि लोग कैसे चुनाव लड़ना चाहते हैं। तब पत्रकार ने अगला सवाल किया कि आप कैसे लड़ना चाहते हैं, उस पर चंद्रशेखर जी ने कहा ये सरकार जो सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोचती है, उद्योगपतियों के बारे में सोचती है, ऐसी सरकार को सत्ता से बेदखल करना चाहिए। इसके लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए, जो भी सरकार बने उसमें सबकी हिस्सेदारी हो, दलितों की हिस्सेदारी हो, पिछड़ों की हिस्सेदारी हो, माइनॉरिटी की हिस्सेदारी हो और अगड़ों की भी हिस्सेदारी हो। बस इसी बात से सवाल पैदा हो जाता है, जब चंद्रशेखर आजाद जी अगड़ों की बात करते हैं दोनों नेताओं में अंतर क्या है। आप चंद्रशेखर जी के द्वारा दिया गया इंटरव्यू यूपी तक चैनल पर देख सकते हैं। जब चंद्रशेखर आजाद जी को भी अगड़ों को हिस्सेदारी दिलवानी है, अगड़ों की बात करनी है, तो फिर बहन जी का विरोध क्यों? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।